Pas trop. ऐतिहासिक कुआं मानता है कि श्री राम के अभिषेक हेतु लाए गए समस्त तीर्थों का जल इसी कूप में एकत्रित किए गए थे। इस स्थल का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है तथा इस कूप के जल से स्नान तथा करना पुण्य का ही माना जाता है। योग्यता अनुसार इस कूप के जल को पीने से शरीर के रोग व्याधि दूर हो जाते हैं। यहाँ पर श्री राम एवं भय जी का पुराना मंदिर है। ये मंदिर तो बाद में बना, बट ये कुआं पहले का है, जब रामायण काल का है, जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ था और उस वक्त दुनिया भर से यहाँ जल लाया गया था, नदियों सागरों कहाँ कहाँ से जल लाया गया था रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए। लेकिन रामचंद्र जी अभिषेक कराने को तैयार नहीं थे। रामचंद्र जी का दूसरानुसार इस ये कुआँ सूखा पड़ा हुआ था, इसी कुएँ में जल डाल दिया गया था। रामचंद्र जी का इस पर आशीर्वाद था कि इस कुएँ का जल कभी सूखेगा नहीं, और आज तक इस कुएँ का जल कभी सूखा नहीं है। थोड़ा सा नीचे जरूर है अकॉर्डिंग टू सीजन के हिसाब से, सर्दी गर्मी बरसात जल ऊपर नीचे होता है, बट कभी सूखता नहीं है। ये जल यहाँ के लोगों के लिए जलापूर्ति का साधन है। लोग यहाँ स्नान ध्यान और पीने के लिए घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका जल बड़ा ही शुद्ध है, निर्मल है। मैंने भी पिया है इसका जल अभी, और कहते हैं चर्म रोगों के लिए जल बहुत ही गुणकारी है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इस, क्योंकि ये एक दैवीय जल है। ये इस जल का एक अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपना एक महत्व है। ये चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं और ये एक चारों भाइयों का मंदिर, काफ़ी पुराना मंदिर है, बट ये रामायण काल का नहीं है। रामायण काल का तो सिर्फ कुआं था, ये चारों तरफ जंगल था और खेत खलिहान थे। समय के अनुसार यहाँ पे काफ़ी कुछ बनता चला गया।